तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल मानसु स्मार्ट फोटोग्राफी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस टाइप के लोगो डिज़ाइन कैसे करें। मीन्स आप लोग भी अपनी फ़ोटो एडिट करते हो तो इस पर कुछ लोगोस लगाना पड़ता होगा जो आप सोच रहे होगे कि वो खुद के नाम का हो। तो आप लोग भी इस टाइप का लोगो बना सकते हो, वो भी अपने नाम का। तो मैं आपको बताऊँगा आज कि इसे कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे कि वो कौन सा, उसी से हम लोग फोटो मतलब लोगो एडिट करेंगे, लोगो बनाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहले अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ पाए। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हो तो अच्छे से समझ पे नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और अच्छे से समझना ताकि आप लोग बहुत आसानी से सीख जाओ और लोगो डिज़ाइन कर सको या लोगो एडिट कर सको। तो चलो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो हेलो फ्रेंड्स, ये रही हमारी मोबाइल स्क्रीन। तो इस पर आपको दिख रहा होगा ये जो ऐप है, एप्लीकेशन है, ये पिक्सआर्ट ऐप है। तो हम लोग आज पिक्सआर्ट ऐप से ही लोगो डिज़ाइन करेंगे, मीन्स लोगो क्रिएट करेंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ पे आएगा कि कैसे लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, एडिट है फोटो पे जाना है, आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे ब्लैक है इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आना है आपको टेक्स्ट पे, तो आपको टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे आप जिस नाम से लोगो क्रिएट करना चाहते हो उसका फर्स्ट लेटर मीन्स फर्स्ट कैपिटल लेटर पे आपको यहाँ पे उसे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। अब इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं और इसे यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट वो नहीं है जिस जो लोगो अपन को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए अपन को वो वाला फॉन्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना आना है माई फॉन्ट पे। ये फॉन्ट्स आपके पास नहीं होंगे जो ये मेरे पास पड़े हैं, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है आपके पिक्सआर्ट ऐप पे। बट पहले आप इसे सीख लो कि कैसे बनाना है, फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि इसे पिक्सआर्ट ऐप पे कैसे इस फॉन्ट को लेके आना है, उसका मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, ये जो सेकंड वाला दिख रहा है केबल रेगुलर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको साइज़ को अपने हिसाब से सेट कर लेना है और यहाँ पर इसका डुप्लीकेट कर देना है। ये जो ऊपर दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ से आपको इसको डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट करने से क्या होगा कि इसका जो साइज़ है वो एकदम सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको डबल टैप करना है फिर से और इसका जो लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, जैसे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ मानसु स्मार्ट फोटोग्राफी, तो मानसु का एम हो गया, स्मार्ट का हम लोग यहाँ से एस ले लेते हैं, ये भी कैपिटल ही होगा। उसके बाद इसका साइज़ भी सेम है। अब अपन को क्या हुआ कि साइज़ अब बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है, फिर से आपको टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे जो मानसू के आगे के लेटर हैं एम के बाद के, उसे यहाँ पे टाइप करना है। तो ए एन एस एच यू सारे कैपिटल पे ही होंगे। इसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है, याद रखना सारे कैपिटल लेटर ही होंगे। और यहाँ से आपको इसका साइज़ छोटा करना है और ऐसे अपन इसको सेट कर देते हैं। जी, अब इसके बाद इसका भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं हम। डुप्लीकेट करने पे क्या होगा, साइज़ सेम रहेगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे भी स्मार्ट का मैं एस तो हो चुका है, इसके बाद एम ए आर टी, इसको भी यहाँ पे आप अपने नाम के अकॉर्डिंग अपना लोगो डिज़ाइन करना। मैं तो ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब जैसे ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको इतना करने के बाद साइज़ तो सेम है, कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताऊँगा फिर इसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पे फिर से आपको टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फोटोग्राफी, तो एफ एच ओ टी ओ जी आ गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देना है, सिर्फ एक एक, सारे हर एक अल्फा बेट मतलब हर एक लेटर के बाद आपको यहाँ पे स्पेस करना है एक। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हो फोटोग्राफी भी मैंने टाइप कर दिया है। अब इसका साइज़ भी अपन कम कर लेते हैं थोड़ा और इसको भी सेंटर पे रखते हैं नाम के नीचे एकदम, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको देखना है कि बीच पे ही रहे, अभी ये बीच पे नहीं है जी, अब ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है ऐड ए फोटो पे,
और यहाँ पे आपको जाना है बैकग्राउंड पे, यहाँ पे लेना है वाइट कलर का एक बैकग्राउंड और यहाँ से ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉप जाना है, क्रॉप करने के बाद यहाँ पे इसका साइज कुछ ऐसा रखना है और इसे बड़ा करना है। तो यहाँ पे मैं इसे बताता हूँ कैसे, इसका जो साइज है इसे कम कर देना है। इसे आपको फ़ोटो को जूम करना है और इसे सेलेक्ट करना है और इसको आपको फोटोग्राफी जो टैग किया आपने उसके एकदम सेंटर पे रखना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मानसून का जो स्टार्ट हो रहा है मानसून नेम, वहाँ से इसको इसी के बराबर से और यहाँ लास्ट पे भी ये ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर टैप करना है और रबर इरेज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको जाना है और इसके जो सेंटर पे है यहाँ पे आपको इरेज कर देना है। तो मैं इसे कर देता हूँ जी। तो फोटोग्राफी का लास्ट अल्फाबेट जो है, फोटोग्राफी का जो लास्ट लेटर है वहाँ तक आपको इसे इरेज कर देना है। इसके बाद यहाँ से डन। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये लोगो बन गया है। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसे डन कर देना है। अब इसका मैं साइज़ थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ये कुछ इस टाइप से। अब इसे यहाँ से डन कर देना है और यहाँ से आप इसे सेव कर लेना। मैं इसे सेव कर लिया। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि अब इस फॉन्ट्स को यूज़ कैसे करना है, मीन्स अपनी पिक्सआर्ट पे इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैं लिंक दूंगा वो यूट्यूब पे मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा होगा, आपको उस लिंक पे टैप करना है और टैप करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये ओपन होता है तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इसे कट कर देना कोई भी ऐड आए, और ये यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखेगा, यहाँ से इसे डाउनलोड कर देना। अब डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जेड अचीवर ये ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड पे, तो यहाँ पे ये केबल रेगुलर जीप नाम से ये फाइल पड़ा हुआ है। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको टैप करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक्सट्रैक्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जाना है वो डिवाइस पे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद डालना पिक्स आर्ट फॉन्ट्स और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से इसको हटा देना है, वापस से आ जाना है आपको पिक्सआर्ट ऐप पे, यहाँ पे जाना है आपको टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है वो आप यहाँ पे सर्च करना। जैसे मैं सर्च करता हूँ मानसु स्मार्ट फोटोग्राफी। अब इसको आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे सॉरी इसका कलर मैं चेंज कर दूँ पहले, जैसे ये। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ फॉन्ट पे जाना है और ऊपर और यहाँ माई फॉन्ट पे आना है। यहाँ पे लिखा होगा आपको ऐड फॉन्ट का ऑप्शन, यहाँ पे ऐड फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, मैं पहले से करके रखा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आना है आपको इंटरनल पे, आपने जिस नाम से फोल्डर बनाया था उस फोल्डर पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है ये। तो यहाँ से आपको ओके सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये ऊपर ही टॉप पे दोनों जो भी फॉन्ट है ये आ जाएंगे, उसको आने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये रहे वो फॉन्ट, ये और ये दोनों वो फॉन्ट है जिसका आप यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स कैसा रहा वीडियो, अगर आप लोग भी लोगो डिज़ाइन करना सीख गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताओ कि आपने लोगो डिज़ाइन करना सीख लिया है बिल्कुल आसान तरीके से या नहीं। अगर सीख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप लोग वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।